तो में मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी होंगे स्टैटिस्टिक्स वाले भी बच्चे होंगे अरे हैं क्या ऑनलाइन वालों बोल सकते हो आपकी आवाज आती है सबको yes, हाँ आ रही आवाज तो इसमें से जो जो स्टैट्स वाले अपना नाम बोल दें मेरा नाम ये है और मैं स्टैटिस्टिक्स से हूँ और कॉलेज का नाम बता दें बसिटी ओके कोई और बच्चा बस मैम आवाज नहीं आ रही शायद था ओके।, ओके और आइए पधारिए हम पूरे देश में हैं है ना सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं है पूरे देश से बच्चे हैं गॉड यार तो खैर चलो इंट्रोडक्शन करते रहेंगे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन मैं इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ आई जैम आप क्यों कर रहे हैं अगर आई जैम नहीं तो क्या आपके पास और ऑप्शन हैं पहला दूसरा आई जैम कितना कॉम्पिटिटिव है आपको कितनी मेहनत की जरूरत है ठीक है तीसरा आई जैम की तैयारी करते वक्त आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करनी है चौथा अल्फा प्लस आपको क्या देगा इस कोर्स के अंदर और इस कोर्स में क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा आपको और पांचवा कुछ ऐफे जो हर बच्चा जानना चाहता है इस कोर्स के बारे में क्योंकि कभी भी प्लीज बच्चों हम लोग ट्रायल क्लास हम पढ़ा देंगे हैं बीस साल से पढ़ा रहे हैं बेटा अल्फा प्लस बीस साल से पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स हर प्लेटफॉर्म पर पढ़ा है टॉप में रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया हमने तो हम लोग अल्फा प्लस टीचिंग से पहले सबसे पहले जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसका कंपटीशन लेवल देख लीजिए एक तो आप और आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो देख लीजिए मेरे यहां पर अगर आपको बैच स्टार्ट करना भी है पढ़ना भी है तो पहले स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा वो टेस्ट देने से ही सिर्फ आप टेस्ट को अपीयर करते हैं तो ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है फीस में स्ट्रेट अवे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट फीस में मिल जाता है टेस्ट देने पर वो टेस्ट क्यों कर रहे हैं जबरस्ती आपके साथ कि टेस्ट देने के बाद हम आपकी सक्सेस को मैप कर पाए पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट हमारे पोर्टल पे टेस्ट होते हैं बेटा सारे टेस्ट और पोर्टल पे रिकॉर्ड होते रहते हैं पूरे साल में तुमने बीस टेस्ट दिए हर टेस्ट की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही है कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं परफॉर्मेंस कैसी हो रही है आपकी ताकि आपको कॉम्पीट कर पाए नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट कर पाए तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये इसीलिए है प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना माइक कपिल बेटा म्यूट कर लो इस, इसको काजल हां जी थैंक यू तो सबसे पहले थिंक थिंक आई आई टी जैम थिंक अल्फा प्लस ये वट इज आई आई टी जैम इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर्स अगर मास्टर्स की बात करें टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है यकीन इसके अगर कोई बच्चा CSR, NET, गेट का भी देता है किसी और एंट्रेंस में अगर आप जाएंगे वो कैलकुलेटिव इतने ज्यादा नहीं होते वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं तो इसलिए माना गया है यहां से इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो साथ साथ में कौन कौन से एंट्रेंस आप तैयार कर पाते हैं टिफर जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है फॉर मैथमेटिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मैथ एमएससी के लिए एंट्रेंस ये अगर इनके पास बारह सीटें हैं इनको छह बच्चे मिले तो छह ही लेंगे ये तो ये लगा लीजिए इस कोर्स को करने से आप एक बिगनिंग कर लेते हैं एक नेक्स्ट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ भी टिफर सीएमआई एनबीएचएम नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर साल सितंबर में होता है सी एम चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट अगर मैथमेटिक्स की बात करें स्टैटिस्टिक्स की बात करें आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट आईएसआई की तैयारी कराने वाले भी हम ही लोते हैं हमारे पास ही हमारे पास कॉन्टेंट है पूरा पूरा पर इसकी स्टार्टिंग बी बहुत छोटे लेवल का एग्जाम है सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मतलब आप ये सिर्फ मीन वेरियंस भी याद कर लेंगे हर चीज के तो आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो ये बड़े एग्जाम्स ये सारे हैं प्लस जो बच्चे अभी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं मेरी सबसे एक निवेदन है आप अपने जूनियर को भी ये मैसेज मेरा दीजिएगा जरूर देखो बेटा तीन साल आपने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में एडमिशन तो ले लिया है अब आपके पास दो चॉइस है या तो मैं इस कोर्स को ग्रेजुएशन वाले कोर्स को ढंग से पढ़ू या नहीं पढ़ू चलो मैंने एक चॉइस उठा ली मैं ढंग से नहीं पढ़ना चाहता मैं सिक्सटी परसेंट पास करना चाहता हूं उसके बाद है क्या आपके पास एसएससी की तैयारी करनी है आपको बैंक पीओ की तैयारी करनी है आपको जिसमें पच्चीस लाख लोग एक हजार दो हजार तीन हजार वैकेंसी लड़ रहे होते हैं नहीं ना ये कोर्स कर रहे हो तो ढंग से पढ़ो आपको मैं सच्चाई बताता हूं मैथमेटिक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए बेटा हेलो हाँ ठीक है तो इस एग्जाम के थ्रू जैसे मान लो किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया मैडम आपको यहीं बैठना है

जो आपने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पता ग्रेश्य में क्या करते हैं? आप सब्जेक्टिव? करते हैं है से दस तो अगर आप ज्योग्राफी भी लेंगे कोई और बोलेंगे आपको सिविल सर्विस तैयारी ले लो आप मैथ्स मत लो कभी मत करना ऐसा ये बोलेंगे कि जीएस के साथ इसका कस्प लगता है मतलब मिलता है तो जीएस भी तैयार हो जाएगा ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगा ऐसा मत करना क्योंकि आपकी मैथ स्पेशन है तीन साल भुगता है आपने मैथ्स को तो आपके लिए सबसे टेन में से टेन मार्क्स सिर्फ मैथ्स में ही आते हैं आप किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर कितना अच्छा लिख लो अगर आपके सिक्स सेवन या एट से ज्यादा आ जाए तो अब यही बच्चे मैथ्स की बात की तो स्टैट्स की बात करता हूं इंडियन स्टेटस्टिकल सर्विसेज इंडियन स्टेटस्ट सर्विसेज के अंदर आपके पास सात पेपर हैं सेवन हम ऑब्जेक्टिव टाइप वाले दो पेपर हैं सब्जेक्टिव वाले भी दो पेपर हैं आप चूज करते हैं सब्जेक्ट्स को आपके पास ये फैसिलिटी होती है चूज करने की तो जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो तो सेम कोर्स आईआईटी जैम जैम का वो तो यहां पर भी तैयार हो रहा के के एंट्रेंस अंदर जो कॉलेज की पढ़ाई है अगर आपने वो ढंग से पढ़ ली है तो उसका हर तरफ आपको फायदा है वरना वो दोबारा से पढ़नी पड़ेगी आपको अगर नहीं पढ़ी है तो आई जैम इज द फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम यू कैन स्टार्ट विद क्योंकि आई जैम के लिए पढ़ने के लिए आपकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कवर हो जाती है फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं तो ये पहले स्लाइड के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई आप ये सारे गेट गेट का एग्जाम का स्कोर जो बच्चा मेरा टी का एग्जाम देता है मेरे यहां से से अल्फा प्लस से, मैं उसको गेट का एग्जाम भी जरूर दिलाता हूं क्योंकि गेट का स्कोर मैटर करता है अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए किसी पीएसयूज में पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जैसे इंडियन ऑयल हो गया आपके पास है ना तो ऐसी कंपनीज में जॉब लेने के लिए गेट का स्कोर चाहिए होता है तो जब आई जैम की तैयारी कर ही रहे हो और आपका लगभग 80 परसेंट कोर्स मैच करता ही है तो क्यों ना गेट का एग्जाम दिया जाए राइट right? तो जो बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं उनको जरूर बोलते हैं गेट का एग्जाम देना ही है सीएसआर नेट अगर आपको किसी को लेक्चरर बनना है रिसर्चर बनना है फेलोशिप करनी है तो वो इस एग्जाम का देता है इसमें भी लगभग सिक्सटी कोर्स आपका मैच करता है जैम से सिक्सटी बोल रहा हूं हंड्रेड परसेंट नहीं बोल रहा हूं इसमें तो कहने का मतलब क्या है कि आप ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया आप आज तीन थी, सेमेस्टर्स कर चुके हैं और आपका सेमेस्टर कोर्स आपको बहुत अच्छे से आता है तो मजा आ जाएगा नहीं आता तो कवर हो जाएगा जैम से जैम इज द फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद फिर आगे आपकी जर्नी आपके हाथ में अगर आपको इंटरेस्ट आ गया और हम वो इंटरेस्ट आपके मन में डेवलप कर पाए तो सक्सेस आपकी गारंटेड है इतने सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं आपके पास देखा होगा कोई कोई बच्चा आपने नेट पे अखबार में पढ़ा होगा इसने ये सब एग्जाम क्लियर किए हुए हैं अरे ऐसा नहीं है उसने सारे एग्जाम्स की तैयारी की होगी उसने एक तैयार किया होगा थोड़ा सा कोर्स एक्स्ट्रा किया दूसरा भी तैयार हो गया थोड़ा कोर्स एक्स्ट्रा किया फिर तीन चार एग्जाम दे दिए उसने साथ में तो ये एडवांटेज मिलता है हमेशा हमारे को तो दिस एडवांटेज इज ऑलवेज विद यू क्योंकि हम दो फैकल्टीज हैं है सारा कोर्स कवर करते हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स खैर पहले ये क्यों एग्जाम करें वाई आई टी जैम मैंने बताया आई टी जैम में आप एग्जाम एडमिशन मिलता है टॉप आई में वर्ल्ड के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जिसमें अगर बारहवीं के पास बाद आप जाते, 12th के बाद आप जाते हैं तो तेरा लाख बच्चा एग्जाम देता है एक परसेंट रिजल्ट सिर्फ सिर्फ छब्बीस हजार पंद्रह से छब्बीस हजार सीट्स के लिए कुछ पेड भी है कुछ फ्री भी है उसमें वहीं पे आई आई टी जेई की बात करो आई आई टी जेई जो बारहवीं के बाद एंट्रेंस होता है उसका रिजल्ट है एक परसेंट और आईआईटी जैम का है तीन परसेंट उससे ज्यादा है एटलीस्ट तो ये भी है राइट right? मैम ये किस लाइड है क्या अच्छा यस yes. और आप यहां से एमएससी एमएससी पीएचडी दोनों डिग्री लेते हैं नेक्स्ट प्लीज जरा थर्टी वन आई और भी बढ़ गए हैं अब तो बहुत सारे एनआईटीज हो गए हैं आईएएससी हो गया आईसी बैगलोर का एडमिशन भी यहीं से होते हैं आपके और एन एफ टी आईज है सी एफ टी आईज है सब में एडमिशन लेने के लिए यही आई टी जैम का एंट्रेंस एग्जाम है जो देना पड़ता है आपको नेक्स्ट प्लीज पीज व एलिजिबिलिटी सिंपल फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन आपको आपकी ग्रेजुएशन में फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल स्टूडेंट्स हैं ओबीसी है, हैं फिफ्टी परसेंट अगर एस सी एस सी है तो ये एलिजिबिलिटी है आपकी नेक्स्ट प्लीज अब आई टी जैम टोटल आठ सब्जेक्ट्स में होता है इकोनॉमिक्स में भी होता है और हर बच्चा दो एग्जाम दे सकता होता है मैक्सिमम मिनिमम एक अब दो दिन है तो बच्चे स्टैट्स वाले बच्चे को जो स्टैट्स वाला बच्चा है बेटा अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आकर के उसने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लिया है तो कहीं ना कहीं मैं उस बच्चे को जी में या ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स जरूर कहता हूं एडवाइस करता हूं कि बेटा आप इकोनॉमिक्स लें तो वो मेरा बच्चा एलिजिबल हो जाता है आई जैम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए दोनों सीट्स उसके लिए एलिजिबल हो जाती हैं अगर मैथमेटिक्स वाला बच्चा है, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे को मैं बोलता हूं या तो बेटा आप अपने जी में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ले 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 ले। का इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही इकलौता ऐसा कोर्स है जहां पर हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट है मैथमेटिक्स के सिक्सटी परसेंट है स्टैटिस्टिक्स की 100 परसेंट है तो मैं हर मैथ्स के बच्चे को चाहता हूं उसको स्टैट्स स्टैट्स जरूर आना चाहिए चाहे चाहे उसको अप्लाइड चाहे उसको अप्लाइड ऑपरेशन रिसर्च कोडिंग करनी है चाहे चाहे डेटा एनालिसिस करना करना है चाहे करना है एक्चुअल साइंस कुछ भी करना है स्टैट्स इज लाइक जैसे आप दाल बना दें आपकी मम्मी तड़का लगा दें तो बड़ा टेस्ट बढ़ जाता है उसका वैसे ही बात है आपकी लाइफ में स्टैट्स का वही रोल है मैथ्स वाले बच्चों और स्टैट्स वालों को मैं बोलता हूँ आप इकोनॉमिक्स एड कर लीजिए तो आपका टेस्ट और बेटर हो जाएगा तो दो एग्जाम दे सकते होते हैं आप नेक्स्ट प्लीज फीस दी हुई है वन टेस्ट फॉर फीमेल स्टूडेंट्स इट्स सेवन फिफ्टी रुपीज फॉर मेल इट इज फिफ्टीन रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज फॉर द फॉर्म की जो फीस है अगर आप दो टेस्ट देते हैं तो एक हजार पचास और इक्कीस सौ रुपए है ठीक है तो अगर किसी बच्चे का जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहा है और उसका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको इकनॉमिक्स वाला एग्जाम देने के लिए भी अगर वो दो एग्जाम देना चाहता है इंस्टेड ऑफ मैथ्स वो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स दे दे

ये मार्किंग स्कीम है हमारी हमारे टोटल सिक्सटी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आर थ्री सेक्शन सेक्शन ए ए बी एंड सी हैज थर्टी क्वेश्चन दस क्वेश्चन है एक मार्क के और दस क्वेश्चन है दो मार्क्स के टोटल फिफ्टी मार्क्स का है सेक्शन सेक्शन ए ए ही है जो खतरनाक है क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुझे बी और सी तो सब बच्चों को हंड्रेड परसेंट हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है लेकिन सेक्शन ए में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप डबल श्योर हैं अरे क्लियर है बात हाँ तो ये इस, से मतलब तो ये इस तरह से नेगेटिव मार्किंग डिवाइडेड है 100 मार्क्स का पेपर है थ्री आर्स का है ठीक है कंप्यूटर बेस सीबीएस वहीं पर आएगा और वहीं पर आपको एग्जाम देना है खास बात जैसा आप एग्जाम देंगे वहां पर वैसा ही हमारा पोर्टल है जिस पे एग्जाम होता है बच्चों हमारे पोर्टल पे भी बच्चे बिल्कुल रियल सिमुलेशन है आप क्वेश्चन को सोचने के लिए छोड़ना चाहते हैं सोच भाई मैंने कर लिया इसको पर फिर भी एक सेकंड थॉट लेना चाहता हूं आंसर नहीं मार्क करना चाहता छोड़ सकते हैं वो सारी फैसिलिटी हमारे पोर्टल पर भी है आप देखना चाहते हैं कितने क्वेश्चन किए हैं कितने मिसिंग है पता चल जाता है आपको देखते हैं ये क्वेश्चन आपने अटैप नहीं किए हैं ये पोर्टल पर सारी फैसिलिटी हमारे पोर्टल पर भी है

थर्टी परसेंट मैथ्स आता है सेवेंटी परसेंट स्टार्ट आपको बता देता हूं स्टैट्स वाले बच्चों अगर मैथ्स वाला बच्चा इस एग्जाम को देगा तो उसके थर्टी में से थर्टी आने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि मैथ्स वाले के लिए ईजी हो जाता है ना और स्टैट्स वाले के थोड़ा कॉम्पिटेटिव रहता है राइट right? अब बचा स्टैट्स का पेपर अब क्योंकि वो स्टैट्स उतना तो बच्चा कर ही सकता है हर कोई कि पंद्रह से बीस नंबर ले आए तो मतलब पचास नंबर पे तो हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन है अगर आपके पचास मार्क्स आ जाते हैं तो जबकि कट ऑफ जाएगी आपके लगभग ट्वेंटी मार्क्स पे कट ऑफ जाती है कितनी ट्वेंटी पे आप पास हैं आप किसी भी एवरेज ले लें सभी सालों का मैं दिखाऊंगा अभी आपको तो प्लीज मैथ्स वाले बच्चों ये स्टैट्स का पेपर आपको पढ़ने से फायदा ही है नुकसान नहीं है बहुत फायदा है आपको और स्टैट्स वालों आपकी वीकनेस ये है क्योंकि आप स्टैट्स में ज्यादा फोकस करते हैं थर्ड ईयर तक आते आते मैथ्स पे फोकस कम हो जाता है आपका तो आपको यहीं पे ध्यान देना है ये तो हम स्ट्रांग कर ही देंगे आपका हाँ जी बेटा हाँ बेटा होगा वो कैलकुलस में होगा सिर्फ एडवांटेज बाकी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जी में क्या सब्जेक्ट थे बेटा बाकी वैसे तो यहां पर पढ़ाया जाएगा आपको सारा मैं अभी अपने कोर्सेज के बारे में बताऊंगा तो तन कम टू नो अबाउट एवरीथिंग कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता हम ये मान के चलते हैं आता है तो आप परफॉर्म करते हो क्लास में नेक्स्ट प्लीज बेटा ये स्टार्ट uh, वालों तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन ये है पूरा

दिखा देंगे। हाँ बेटा ये स्लाइड मैडम बता देंगे आपको सारी की। पीछे बेटा हाँ अरे अभी बताऊंगा सब बहुत बड़ा सेशन है ये पूरा एक एक चीज बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है कुछ ही चीज को कहते हैं ना बेटा आप लोग भी दस जगह सर्च करते हैं कोई चीज खरीदने से पहले जब हम एक जीन्स खरीदने से पहले एक परफ्यूम खरीदने से पहले इतना ट्राई करते हैं ये तो जीवन की बात है करियर की बात है ऐसी किसी के हाथों में कैसे सौंपते हैं दस क्वेश्चन अपने जवाब मिलने चाहिए ना बेटा तो सारे जवाब मैं दूंगा आपको बेफिक्र रहिए आप नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट मैं सत्रह अठारह उन्नीस की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सच बताऊं आज मेरे यहां पर जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर पढ़े होंगे मैं देता हूं, का पेपर तो 20, 25, हाँ बेटा हाँ कैलकुलटा ये देखो आप बीस इक्कीस बाईस का प्लीज से यहां पर मैथमेटिक्स का कट ऑफ जो है लगभग थर्टी थर्टी थ्री मार्क्स थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन मोटा मोटा मान के चलेगी थर्टी थ्री एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं वो भी देख सकते हैं बच्चे अपना कट ऑफ भी लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा हूं फिलहाल यहां पर तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को लगभग थर्टी फोर मार्क्स लाने हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स वालों को ट्वेंटी मार्क्स लाने हैं सिर्फ अरे क्लियर है, है बात हाँ तो कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है ऐसा सिर्फ क्या है आईआईटी के नाम पे ना हवा बना हुआ एक थोड़ा सा प्लानिंग करने से चीजें सक्सेसफुल होती हैं मैं मैं बताऊंगा कैसे होंगी मेरी बातें देखना अभी आप नेक्स्ट प्लीज ये मैं कुछ सीट्स की बात कर रहा हूं ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है जैसे कि अप्लाइड मैथ्स आई बॉम्बे में है जनरल की सीट उन्नीस है ओबीसी एससी एस टी तो मतलब बीस सीट मान के चलो जनरल की है आई बॉम्बे में तो कोई मैथमेटिक्स वाला बच्चा स्टेटिस्टिक्स के लिए एग्जाम देना चाहता है तो सिर्फ अप्लाइड स्टैट दे सकता है वो और बीस सीटें सिर्फ ठीक है आ जाती है आराम से बीस सीटें अगर आपका टॉप सिक्सटी में रैंक आ गया है टू तो आपको आई टी आपको तो खैर मिल ही सकता है बॉम्बे नहीं पीछे बेटा दिल्ली में मैथमेटिक्स है आई टी गुवाहाटी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है आई कानपुर में मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स भी है और कानपुर में तो अब इकोनॉमिक्स भी आ गया है टी खड़कपुर में मैथमेटिक्स है तो ये ये आपको दिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और ये रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो तो ये मेरा एक अंदाजा है बेटा सालों का तजुर्बे के हिसाब से एक अंदाजा दिया है इतने रैंक में आपका आ जाता है मैंने फिफ्टी लिखा है थोड़ा सेफ साइड पे वरना सिक्सटी वाले का भी आ गया है हमारे जैसी रिच्चा थी उसका सिक्सटी था स्टैट्स में और मैथ्स में था उसका सिक्सटी तो उसको अप्लाइड स्टैट्स मिल गया था उसको अब जैसे इसकी बात करें कानपुर की वन टू सिक्सटी फाइव लिखा है सिक्सटी सेवन वाले को मिल चुका है यहां पर ठीक है नेक्स्ट प्लीज ये फिर ऐसी प्लीज म्यूट कर लीजिए ये मद्रास है अब यहां देखिए सॉरी आई रुड़की देखिए मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अरे ठीक और स्टैटिस्टिक्स आगे आ जाएगा चलो ये देखिए सीटें सारी दी हुई है. हैं लेकिन ये बढ़ गई हैं अब अस्सी सीटें हो गई हैं इकोनॉमिक्स की यहां पर आगे देखिए प्लीज ये आगे और आगे सब आई के बारे में ये कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जहां से भी हम कर सकते हैं बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जिनकी गाइडेंस में टाइम टू टाइम आपको दूंगा कौन कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है नेक्स्ट प्लीज अब इस स्लाइड को खास तौर पे सारे बच्चे देखें अप्लाइड मैथ्स कहां पर है एमडी रो तक अप्लाइड मैथ्स इग्नू दिल्ली में भी है अप्लाइड मैथ्स अप्लाइड मैथ्स और अप्लाइड स्टैट्स की डिमांड है मार्केट के अंदर या नेक्स्ट स्लाइड मैम अप्लाइड स्टैट्स के अलावा डेटा साइंस कहां कहां पर है कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस अवेलेबल है ये मैं आपको बताऊंगा उसके एंट्रेंस में क्या आएगा मैं बताऊंगा आपको ये मैं गाइड टाइम तो टाइम टू करूंगा आपको एक्चुअल साइंस का मतलब एस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक्चुअल साइंस की ऑफर करती है। कौन कौन डेटा साइंस ऑफर करता है कौन कौन आपका अप्लाइड स्टैट्स ऑफर करता है प्योर स्टैट्स कौन करता है ये सब मैंने लिखा हुआ है कॉलेज वाइज सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी कब फॉर्म निकलेगा कितनी सीटें हैं कहा एडमिशन मिल सकता है सारे टॉप कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम आईआईटी अपार्ट फ्रॉम आईआईटी तो ये सारा सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलता है हमारे पास नेक्स्ट प्लीज सुनाओ हाउ कुड यू इंप्रूव स्किल इन आई टी सपने में आ जाता है सब कुछ एकदम याद हो जाता है एकदम ये सिलेबस है ये सब कॉन्टेंट है ये कोई बड़ी बात नहीं है ये सपोर्ट हर इंस्टीट्यूट करना चाहेगा हम भी करेंगे आपको सपोर्ट कि आप यहां के बाद यहां जा सकते हैं अल्टीमेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों दिल से बात करो एक हम हमेशा कई बार लो फील करते हैं तो हमें कोई एक ऐसा होना चाहिए मेंटर कोई एक टीचर ऐसा हो जो दोस्त जैसा हो जो आपको मोटिवेट कर दे बस करना तो आपने ही है ना करना तो उसने नहीं है सही गाइडेंस दे दे आपको सही अप्रोच बता दे तो मेरे ख्याल में आपको जहां किसी चीज को पाने के लिए एट्टी एफर्ट लगाने पड़ेंगे वहां शायद सिक्सटी में काम चल जाएगा अगर आपको सही गाइडेंस सही अप्रोच और सही मोटिवेशन की डोज मिलते रहे कंटेंट तो अलग बात है पढ़ाना अलग बात है वो सब अलग बात है पर यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी करियर में तो वो गाइडेंस भी हमेशा आपके साथ है नेक्स्ट प्लीज अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की सबसे पहले ये बड़ा धोखा है नेक्स्ट प्लीज स्टडी मटेरियल सारे लोग खेलते रहते हैं स्टडी मटेरियल में मेटल पागल और दुनिया पूरी स्टडी मिल के पीछे नेक्स्ट ये किताबें हैं भाई हमने नाम दे दिए दुनिया भी देगी आपको किताबों के नाम कि मैथमेटिक्स में अगर कोई लीनियर जब प्रिपेयर कर रहा है तो ये चार किताबें हैं आपके पास इनको रेफर करें आप ऐसे ही ये हमारे विकानंद सर की भी है हमारे खुद की भी है इसके बात, में, बात, बात में बात करते हैं नेक्स्ट प्लीज फिर एनालिसिस की तीन किताबें हैं फिर मॉडर्न जबरा की भी तीन किताबें हैं फिर ग्रुप थ्योरी हमारी या भी हमारी खुद की किताब अल्फा अल्फाप्रस की अब ये किताबें सर मैथमेटिक्स की हैं नेक्स्ट प्लीज डिफरेंशियल इक्वेशन की तीन किताबें हमने बता दी इंटीग्रल कैलकुलस की दो किताबें बता दी हैं ये इसकी सारी किताबें आपको लगता है बेटा कि इतना डाइवर्सिफाई होके एक एक टॉपिक के लिए आपको सर्च करना है नहीं फिर तो हो नहीं पाएगा और इन किताबों में आप यकीन मानिए सारे बच्चे मैथमेटिक्स पे तो फिर भी बहुत कंटेंट मिल जाता है पर स्टैटिस्टिक्स पे तो कंटेंट मिलता ही नहीं है क्वेश्चन से नहीं मिलते बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पे तो बच्चों को क्वेश्चन से नहीं मिलते हैं कि कहां से प्रैक्टिस करें सर इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैथेमेटिक्स पर फिर भी मिल जाता है क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत पहले से चल रहा है उसमें बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है सीट्स बहुत ज्यादा है बच्चा बहुत सारा देता है तो जहां बच्चा ज्यादा होगा तो वहां कंटेंट भी तैयार हो जाता है काफी हद तक पर ये सारी किताबें आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं हम टीचर्स ने क्या किया हुआ है कम से कम एक टॉपिक के लिए दस किताबों को छान के अपनी खुद की बुक्स बना रखी हैं खुद के क्वेश्चंस डिजाइन कर रखे हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत डिमांड है और आपको आसानी से कहीं और नहीं मिलेंगी वो चीजें जो अल्फा प्लस में मिलेंगी और हम बीस साल से ये सारी किताबों को पढ़ा रहे हैं

तो प्लीज ये सारी बुक्स हम आपको देंगे रेफर बुक ई बुक्स हैं सारी ये मार्केट में वैसे हर जगह मिल जाएंगी हर पोर्टल में हमारे से मिल जाएंगी आपको ये नेक्स्ट प्लीज अब ये है हमारी बुक्स जो आपको मिलेंगी चाहे रियनालिसिस की है चाहे लीनियल जबरा की है चाहे ग्रुप थ्योरी की है चाहे वैक्टिक कैलकुलस की है ये अल्फा प्लस की बुक्स हैं ये मैथ्स की सारी बुक लिखी हुई हैं सारी विवेकानंद सर ने उनका नाम है वो इज अ ब्रांड उनको मतलब हैं जबरदस्त उनका लेवल ही अलग है मतलब उनसे पढ़ने के लिए बच्चे को भी लेवल में अपना तो गालियां पड़ती हैं जबरदस्त और छोड़ जाएगा जो बच्चा चार क्लास में छोड़ गया छोड़ गया नहीं हो सकता सब कुछ आपको लगता है प्यार से होगा बिना पढ़े होगा ऐसा नहीं होता आई है भाई वो उसमें मेहनत करना पड़ता है क्लास के साथ चलना पड़ता है नेक्स्ट पीज स्टैटिस्टिक्स की बुक है बेटा एस गुप्ता कपूर तो आपके पास है ही सबको पता है मुझे देख के डर लगता है इतनी कंजस्टेड सी है इतना थ्योरी थ्योरी इतना सब लिखा है मैं सच में पढ़ नहीं पाता मुझे बहुत डर लगता है उसको देख के मुझे लगता है इस चीजों को सिंप्लीफाइड होना चाहिए थोड़ा सा अच्छी किताब है बहुत सारी थ्योरी है उसके अंदर वी के रौतगी ये किताब मैं आपको सबको क्योंकि ये तो आपके पास है वी के रौतगी में हर बच्चे को बोलूंगा कि ये तो जरूर खरीद लेना या मेरे से ई बुक ले लेना इसकी आप ये चाहिए आपको ठीक अदर देन माई बुक्स ऑल्सो ये चाहिए आपको वी के रोतगी चाहिए स्टैट्स के लिए साहू की आपको जरूरत नहीं है ये मैं ही बता दूंगा आपको प्रसन्ना साहू कौन सा टॉपिक है दो चार टॉपिक के लिए काम में आता है ये क्योंकि जैसे गेट की तैयारी करेगा बच्चा मैंने बोला ना मैं अपने आई बच्चों को गेट भी देता हूं तो गेट के लिए टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बेजन स्टैट्स तो मैं पढ़ाऊंगा ना बेजन स्टैट्स कैसे पढ़ा जाएगा तो उस टॉपिक के लिए इसकी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी वो मेरी बुक की काफी है आपके लिए नेक्स्ट प्लीज ये मेरी किताबें हैं जिसके अंदर मॉड्यूल्स हैं ये देखो अभी आपको मैडम एक मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट कर दे हैं बच्चों को पास नहीं होगा मेरे मॉड्यूल्स में हर चैप्टर पे एक बुक है प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी पे 300 पेज की बुक है उस बुक में क्या है थ्योरी नहीं है उसमें उसमें सॉल्ड एग्जांपल्स हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं सिर्फ सॉल्ड एग्जांपल्स एंड ऑब्जेक्टिव तो 400 क्वेश्चन है सिर्फ जिसमें 400 में से 300 सौ सॉल्ड और सो प्रैक्टिस के दिए हुए आपको जैसे आपने देखा हो ना आई की तैयारी करते हैं बच्चे उनको विद्या मंदिर हो गया आकाश हो गया बहुत सारे मॉड्यूल पकड़ा जाता है उनको सॉल्व करना होता है उसके लिए टीचर ढूंढ रहे होते हैं कोई सॉल्व करा दे मॉड्यूल हो गया तो हो गया वैसा मॉड्यूल है मेरा सारा रैडम वेरियबल सिर्फ रैंडम वेरिएबल पर तीन सौ पेज की किताब है एक डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे तीन सौ पेज की किताब थ्योरी नहीं है उसमें थ्योरी कम है थ्योरी में वो कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है जो आपको नहीं पता कि कॉन्सेप्ट भी होता है आपको नहीं पता शिफ्टिंग स्केलिंग कोई कॉन्सेप्ट है आपको नहीं पता मेमोरीलेस प्रॉपर्टी सच में कहां काम आती है कैसे काम आती है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता जो आपने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकली प्रैक्टिस नहीं की हुई जिनसे ऐसे आंसर आते हैं ऐसे तो वो सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं और क्वेश्चंस हैं अच्छा सुनो मैंने पहले सोचा था कि मेरी ही किताब आएंगी छह मॉड्यूल ही आएंगे तो देखो ऐसी किताब है ये ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं ये ये ऐसे आपको आठ मिलेंगे छह की जगह मैंने आठ कर दिए पहले मैं सोच रहा था कि प्रोबेबिलिटी का एट मॉड्यूल दूंगा रैंडम वेरिएबल एक डिस्ट्रीब्यूशन से एक ज्वाइंट एक फिर मैंने सोचा था एक इनफ्रेंस पे दे दूंगा और एक सैंपलिंग पे दे दूंगा पर नहीं मैंने डिवाइड कर दिया इसको सिर्फ सी एल टी और कन्वर्जेंस पे एक बुक और सैंपलिंग पे एक बुक पॉइंट एस्टिमेशन पे एक बुक और कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्टिंग कोरिलेशन रेशन पे एक बुक मतलब एक बुक बना रहा हूं यार कोई सौ पेज की बुक थोड़ी बनाऊंगा तीन सौ पेज तो, तो बनाऊंगा ना क्या डालूंगा उसमें सोल्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी और ऑब्जेक्टिव टाइप भी और प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे सोल्व क्वेश्चन हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्यों करते हैं आपने उस पर फोन रखा ऐसे ढक लिया क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करना शुरू कर दिया जहां दिक्कत आई देख लिया तो देख देखते ही आपको आ जाता है यार कुछ चाहिए तो सही मेट अब सारे ही हम अनसोल्ड देते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंस मैच नहीं कर पाता बहुत बार आंसर मैच नहीं करता बहुत छोटी सी गलती से वो गलती देखती है पहचान जाए इसलिए आपको सॉल्व चाहिए होते हैं ताकि एक एक लेवल तो अचीव कर पाए पहले हम तो इसलिए हर बुक के अंदर लगभग तीन सौ सो प्लस सोल्ड क्वेश्चन है, है और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी है जिसमें मल्टीपल आंसर होते हैं और हर बुक के अंदर पांच मॉड्यूल है बीस बीस क्वेश्चन के मतलब सो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स के तौर पे भी नेक्स्ट प्लीज तो मतलब आपको किताबों के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है वी हैव एम्पल ऑफ मटीरियल विद रिसर्च ऑफ ट्वेंटी ईयर्स बीस साल से जो हम पढ़ा रहे हैं जो रिसर्च किए जो भी मन में आया वो सारा उतारा हुआ हमने इसमें और कुछ बच्चों के पास बुक है उन्होंने कर रहे। बच्चे सच बता रहा हूं अभी मेरी दो बुक आनी है डेली कम से कम दस फोन आते होंगे सर प्लीज दे दो ना पेपर आ रहा है प्रैक्टिस कर लू मैं सोचा नहीं यार आराम से निकालूंगा जल्दीबाजी करता हूँ फिर गलतियां हो जाती किताब में और एरर फ्री बुक होनी चाहिए कोशिश करना चाहिए एरर फ्री बुक आए नेक्स्ट प्लीज डू यू थिंक इजी टू जगल बिटवीन आई टी जैम कोचिंग एंड कॉलेज आपको लग रहा है ये आसान होगा आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि कॉलेज के अटेंडेंस कॉलेज के एग्जाम्स कॉलेज के टेस्ट उसमें भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और साथ में आई टी जैम की कोचिंग में भी परफॉर्म करना पड़ेगा तो क्यों ना हम एक कसम खा ले कि हम अपने समय को बांट लेते हैं दो हिस्सों में बांट लेते हैं एक एक प्रोफेशनल एक पर्सनल तो आप ऐसा बांट सकते हैं हफ्ते के पांच दिन आप अपने कॉलेज जाओ दोस्तों के पास जाओ आपने हर रोज हमेशा ऐसा किया है आज तक कि किसी बर्थडे के लिए शादी के लिए हमेशा क्लास छोड़ दी है वो तो शुगर मनाओ की ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं आपको अब पहले थोड़ी मिल पाते थे प्लीज थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा एक साल के लिए सब छोड़ना पड़ेगा दो दिन हमें चाहिए सिर्फ ज्यादा नहीं चाहिए दो दिन चार चार पांच पांच घंटे हमें चाहिए यहां पर मैथ्स से पढ़ाया जाएगा स्टैट से पढ़ाया जाएगा इसके अलावा हमें टाइम नहीं चाहिए आप अपने माइंड में अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को सबको बता दें कि प्लीज सैटरडे संडे हमारे फ्यूचर के लिए हैं और हफ्ते के पांच दिन कॉलेज के लिए हैं दोस्तों के लिए हैं फैमिली के लिए है। आप जो मर्जी करें हमें कुछ नहीं कराना आपके हमें यहाँ बुलाना है चार पांच घंटे आपको सैटरडे संडे पढ़ाना है बस आई थिंक वी कैन डिवाइड दिस आपका कोई काम पेंडिंग रहे है आप कॉलेज के फ्री टाइम में उसको कर सकते हैं आप और वैसे सच बताऊं आपको मजा इतना आएगा कि कॉलेज के हर क्लास में बैठ के लगे हो गए बता रहा हूं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है मैंने देखा है हमेशा अच्छा अगर ऐसा भी करते हैं हम कि मॉर्निंग में कॉलेज चले जाओ शाम को क्लास के लिए आ जाओ अरे यार थका हुआ दिमाग नहीं चाहिए भाई हमें हमें बिल्कुल फ्रेश माइंड चाहिए क्लास के लिए वो थके हुए होते हो आप लोग आधा समझ में आता है आधा नहीं आता फिर वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है आपका तो इसलिए डिवाइड कर लो अपने टाइम को सैटरडे संडे इज फॉर द माई करियर और हफ्ते के पांच दिन कॉलेज फ्रेंड्स दोस्त सब है मेरे लिए सो so, प्लीज अगर ये डिसीजन आपने ले लिया सो आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट क्योंकि बेटा ट्रेवलिंग भी करनी है ऑफलाइन आएगा कोई बच्चा ऑनलाइन भी घर पर बैठेगा तो रूम बंद करेगा क्योंकि सैटरडे संडे घर में सबकी छुट्टी होगी उसको अटेंशन से बैठना पड़ेगा तो ये टफ आसान नहीं होगा टफ होगा लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो ईजी लगेगा नेक्स्ट प्लीज इस कोचिंग मस्ट फॉर आई टी एग्जाम प्रिपरेशन देखिए भाई और इस बटे ने बेटे ने भी कहा बहुत सारी चीजें हैं कोचिंग से सिर्फ एक एडवांटेज है आपका एक आप रूटीन में काम कर लेते हैं क्योंकि जब तक हमारे पे प्रेशर नहीं होता हम परफॉर्म नहीं करते क्या ये सच है कि नहीं है बताइए आप आपकी मम्मी पापा भी घर पे डांट देते हैं आपको तभी जाके आप फोन छोड़ते हो और कुछ करते हो तो एक सबसे पहला तो एक आपके पास सिस्टम होता है एक आपके पास पीएर ग्रुप होता है जिसके सामने आपको परफॉर्म करना है उसका प्रेशर होता है कोचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये दूसरा एक आप सिस्टमैटिक अप्रोच से चल पड़ते हैं वरना आप आप क्या करते हैं आप एक टॉपिक टॉपिक से दूसरे जंप करते रहते हैं अननेसेसरी नेट पे कोई क्वेश्चन देखा अरे सर ये कैसे होगा वहां क्वेश्चन देखा ये कैसे होगा ये जो ये जो जगलिंग बिटवीन दीज क्वेश्चन है ना ये प्रॉब्लम क्रिएटर है सबसे बड़ा आप एक टॉपिक के लिए दस किताबें छान रहे होते हैं अननेसेसरी यूर वेस्टिंग टाइम यहां आपकी कोचिंग आपको एक शेप में रखती है इस टॉपिक से पहले आपको ये आना चाहिए इसका टेस्ट दो ये पास होगा तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो यहां पर एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है कोचिंग ऊपर से एक एडवांटेज और है कोचिंग से जो क्वेश्चन एक बच्चा एक पेज में कर रहा होगा वो एक वर्ड में भी आता है आंसर सीधा सच बता रहा हूं एक वर्ड में भी सीधा आंसर आता है वो कोचिंग वाला ही बताएगा आपको वो कैसे आएगा वो उसके एक्सपीरियंस से आएगा वो बुक में नहीं लिखा हुआ क्योंकि हमारे देश में मैथमेटिक्स की तो ऑब्जेक्टिव है, है भी थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स की तो बिल्कुल ही नहीं है तो उसमें वहां भी आपको एडवांटेज मिलेगा कोचिंग के लिए और क्या एडवांटेज मिलेगा कि हर वक्त आपको कोचिंग बिजी नहीं रखेगा आपको कंस्ट्रक्टिव लिखेगा इतना काम करना है इतना कर लिया सेंस ऑफ अचीवमेंट हमेशा आपके पास रहेगी कि भाई मैंने अपना टास्क अचीव कर लिया वरना दूसरों को देख करके ना आपको ऐसा लगता रहता है यार मैंने ये नहीं किया उसने ये नहीं किया अरे मैं जो सिस्टम चल रहा हूँ मैं उससे चलूंगा उस सिस्टम से आपको सक्सेसफुल हो जाते हैं कोचिंग आपको बांध के रखती है कहने का मतलब ये है नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट ये आपको मैंने तारीफ कर ही दी है हम सारे एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते ही हैं बेस्ट इन क्लास एकेडमिक कंटेंट है टेस्ट सीरीज है, है हमारी और फैकल्टीज आप मिलेंगे तभी पता चलेगा

तो आपकी मॉनिटरिंग मेरे लिए थोड़ी टफ हो जाती है और जो वीडियो से पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड वीडियो से तो भग का तो भगवान ही मालिक है क्योंकि वो अपने कंफर्ट में जब पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे वो कभी भी सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं चल पाते हैं हम वीडियो रिकॉर्डिंग मुसीबत का सहारा है लेक्चर बाय चांस मिस हो गया बीमार हो गए कुछ हो गया तो मुसीबत का सहारा है आपको लेक्चर डिफिकल्ट है दोबारा देखना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए फायदा है रिवाइज करना है तो फायदा है वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट एन एन इमरजेंसी इट्स इंसेंटिव टू यू इंसेंटिव लेकिन दोबारा भी पढ़ना टॉपिक तो पढ़ सकू मैं लेकिन आप उसी के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप और ऑनलाइन वालों में आना पड़ेगा आपकी रेगुलरिटी ही होगी सब कुछ और पता है ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वाले सुनते हैं सब जो क्वेश्चन आप पूछते हो यह भी सुनते हैं यह स्टूडियो बना हुआ है पूरा सबकी आवाज आती है यहां पर Next, <coughs> अच्छा, हम क्या देंगे वट इज द कोर्स नेक्स्ट पेज पे आऊंग सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट होगा फाउंडेशन कोर्स इस फाउंडेशन कोर्स में क्या दे रहा हूं मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही कराऊंगा जैसे आपको ग्रेजुएशन में कराए जाते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है मैंने देखा है कि बच्चों के डाउट्स क्या होते हैं उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर वो पहचान ही नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम यूनिफॉर्म की है कि नहीं है वो यूनिफॉर्म सोच के लगा रहा है प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका तो सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स है इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर थर्टी मॉड्यूल्स है मतलब थर्टी टॉपिक्स हैं उन थर्टी टॉपिक्स के थर्टी टेस्ट हैं हर मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट है वो टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा ये फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपको जीरो से लेकर चलेगा मतलब मैं ही मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता आपको ये भी नहीं पता प्रोबेबिलिटी में कंडीशन बोल्टी क्या होती है आपको ये भी नहीं पता मैं मान के चलता हूं राइट right? ये फाउंडेशन कोर्स सबसे पहले ये अचीव करना होता है जो जनवरी से स्टार्ट करते हैं सबको नहीं मिल पाता फाउंडेशन कोर्स अगर कोई अगस्त में मेरे पास आएगा वो फाउंडेशन कोर्स नहीं ले पाएगा मेरा उसको वीडियो मिल सकता है सर्विस का अब, ये क्या है? अब सभी टॉपिक्स को दोबारा से शुरू किया जाएगा ट्रिक बता करके अब ये क्वेश्चन करो आपने किया अच्छा एक पेज लग गया अब ऐसे करो ये ट्रिक लगा हां सर हो गया ट्रिक से ऐसे हो गया फटाक से ही. फिर इस कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स के अंदर हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं आई टी जैम गेट सी एस एन एटर सी एम आई एस आई बी एच यू जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के हैं, वो में ही कराते हैं। इसको बोलते इसमें हम दस टेस्ट लेते हैं सिर्फ नेक्स्ट हो गया अब मेरे पास कोई बच्चा अगस्त में आएगा तो वो यहां से कोचिंग स्टार्ट करेगा कंसेप्ट बूस्टर से लेकिन जो मेरे पास जनवरी में आएगा वो फाउंडेशन से शुरू करेगा मेरे पास नेक्स्ट मैम रैंक बूस्टर कोर्स अब मेरे पास बच्चा अक्टूबर में आ रहा है कि सर मुझे आई आई टी देना है तो रैंक बूस्टर कोर्स थ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू ही बताया जाता है अलग से नहीं बताया जाता कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू ही कराया जाते हैं इतने क्वेश्चन हमारी क्लासेज में हुए हैं और हम कराते हैं इतने क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज इसको टेड सीरीज बोलते हैं टेड सीरीज का मतलब टेस्ट एंड डिस्कशन अल्फा प्लस की इकलौती टेस्ट सीरीज है जहां पर हम लोग बनाए थे टेस्ट तो बच्चे ने देना टेस्ट हमने थोड़ी देना है टेस्ट बना करके बच्चा अपने आप को कर रहा होता है हम उस टेस्ट को डिस्कस करते हैं आंसर क्यों आया इकलौते हैं पूरे इंडिया में जो हर टेस्ट डिस्कस करते हैं अपना टेस्ट को डिस्कस कैसे गलती की बच्चे ने ताकि बच्चे को पता चले कि मैंने गलती कैसे की है मैं कहां गलत था आंसर से गलत सही जज करना मुश्किल है वो ताकि अगली बार वो गलती ना करे उसमें तो टैड सीरीज देते हैं हम लोग टेस्ट एंड डिस्कशन वाली सीरीज जिसमें दस प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और दस टेस्ट पे एंड डिस्कशन होता है, तो तो है।, तो है।, मतलब, है, है। स्टडी मेटीरियल अल्फा प्लस की बुक्स और असाइनमेंट्स बुक्स के अलावा असाइनमेंट्स भी होते हैं अल्फा प्लस के जो मिलते हैं तो जब आपने मुझे बोला कोर्स में क्या देते हैं तो जो बच्चा जनवरी से स्टार्ट करेगा वो सब लेगा मैं पीछे जाना और तो ये लगभग 400 प्लस आज तक जाता है ये डिपेंडिंग बैचेस कैसे हैं हमारे पास स्टडी मेडल देंगे आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देंगे अपनी डाउट सोलविंग सेशन हमेशा क्लास के बाद क्लास के पहले बच्चा कभी भी डाउट पूछ सकता है कभी भी नहीं मना करा जाता है उसको बच्चे को कभी भी नहीं ऑलवेज फैकल्टीज अवेलेबल जब भी आप सेंटर पे आओगे लोवेस्ट अकेडमिक फीस फीस पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्डेड लेक्चर तो रिकॉर्ड लेक्चर मिल रहा है ऑनलाइन क्लास मिल रही है ऑफलाइन क्लास मिल रही है सब कुछ फिर भी मैं सलाह करूंगा उन ऑनलाइन वाले बच्चों को जो भी बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर रहा है पूरे साल तैयारी करे बस अक्टूबर या नवंबर दिसंबर जनवरी वो हमारे यहाँ दिल्ली में आ जाए दो या तीन महीने के लिए पीजी लेकर रह ले और वो ऑफलाइन क्लासेस उस कोर्स की कर ले रैंक बूस्टर कोर्स ही कर ले उसको जमीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा क्योंकि वहां उसको इंडिविजुअल अटेंशन और उसके सारे छोटे छोटे डाउट्स जो पूछ नहीं पाता वो अपने फ्रेंड्स पीए ग्रुप से पूछ सकता है और हमसे पूछ सकता है वो तो जो भी बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं कहीं पूरे इंडिया से कहीं से भी हैं वो एक दो महीने के लिए भी अगर दिल्ली आ सकते हैं तो आ जाए अगर उनको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट मैम अब टेस्ट सीरीज में ट्वेंटी फुल एंड टेस्ट है मैंने बता दिया आपको दस को डिस्कस किया जाएगा दस आपको प्रैक्टिस दिए जाएंगे नेक्स्ट प्लीज फीस अब से देख के हैरान हो जाएंगे हाइब्रिड क्लासेस 45,000 फीस है हमारी अब इस 45,000 में आप डिस्काउंट ले सकते हैं टेस्ट देके टेस्ट, दे टेस्ट आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जितने परसेंट मार्क्स आ जाएं उतना आपको डिस्काउंट फीस पे जितने परसेंट मार्क्स आ जाए आपके हाइब्रिड क्लास ऑफलाइन वालों के लिए ऑनलाइन की फीस है पैंतीस फर्क है इसमें यहां पर ये बच्चे भी हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है आप मैडम को बोल के वो टेस्ट करे, टेस्ट करें को दे, जितने परसेंट मार्क्स आ उतना आप डिस्काउंट ले सकते हैं मैडम से आपके हाथ में, आप में दम है सो परसेंट पूरी फीस फ्री करा सकते हैं अपनी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट तक करा सकते हैं आप अपना आप में दम होना चाहिए बस तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप जब भी मैडम को बोलेंगे मैडम आपके लाइव करती है स्कॉलरशिप टेस्ट की कॉस्ट हंड्रेड है फ्री नहीं है हंड्रेड रुपीज में ही ये टेस्ट होगा उससे कम में नहीं होगा आपको हंड्रेड रुपीज में परचेज करना पड़ेगा क्यों परचेज करना पड़ेगा आपकी ट्रांजेक्शन एंट्री हो जाती है हमारे पास एक तो एक आपको टेस्ट मिल जाता है आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है ताकि आगे के टेस्ट में हमारा वो रिकॉर्ड बना रहता है आपके साथ नेक्स्ट प्लीज ये स्कॉलरशिप टेस्ट मैंने बता दिया अब टू हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप है ऑन फीस फुल फीस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ट्यूशन फीस वो फीस वो फीस कुछ नहीं है आप टेस्ट दो डिस्काउंट लो आप में जितना दाम है आप लोग लिया हुआ है बच्चों ने सत्तर सत्तर परसेंट भी लिया हुआ कहीं ब्रिलियंट बच्चों ने सेवेंटी परसेंट तक डिस्काउंट लिया हुआ बच्चों ने हाउ टू प्रिपेयरिंग फॉर आई जैम बताओ भाई ये कोई मन हैं। आती है अपने लेजर टाइम में आप क्या करें मैं आपको बताता हूं ये ऑनलाइन पे बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं ऐसा क्या करें काम की बात बोलूं अगर मैं आपके मन में इंटरेस्ट डेवलप कर पाया एक बात बताओ सच में क्या धोनी मेहनत करके इतना बड़ा क्रिकेटर बना था वो एंजॉय करता होगा तभी तो बना था तो अगर आप मेरी पढ़ाई से इंजॉय करना शुरू कर गए आपको एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को तो कुछ भी कोई भी किले फतेह कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है तो मेरे बेटा आप नहीं कर पाएंगे फिर इस कोर्स को तो ये जो क्वेश्चन है ना सारे कैसे डिस्ट्रैक्शन ये डिस्ट्रैक्शन तो उस बच्चे के लिए आती है जिसको मजा नहीं आ रहा वो वो बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है सर मैं फ्री टाइम में क्या करूं मजा नहीं आ रहा वरना करने के लिए इतना कंटेंट हम देते हैं कि वो दोबारा दोबारा भी करे तो उसके पास इतना कॉन्टेंट रहता है कि वो थक जाता है सर इतने क्वेश्चन तो आप क्लास में तीन क्वेश्चन तो अलग से करा रहे हैं हम मैथ मिला करके तीन क्वेश्चन और बुक अलग से दे रहे हैं अपनी सारी तो अगर आठ मॉड्यूल है आठ ते चौबीस चौबीस तो सॉल्व ही है तो इतने क्वेश्चन करने के बाद में नहीं हुआ तो भाई वो गलती आपकी है आपने कहीं कमी छोड़ी है प्लीज कोई भी बच्चा मेरे यहां पढ़े कहीं भी पढ़े ये रूल तो बना ले कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो अपनी आई टी जैन लाइफ है उसको मिक्स ना करे बिल्कुल भी दोनों को डिवाइड कर ले और दूसरा कंटेंट दाय बहन मत भागे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में मत भागो अननेसेसरी रात को बहुत ज्यादा मत पढ़ो टॉपिक को एंजॉय कर रहे हो समझ में आ रहा है तो पढ़ाई करते रहो जहां नहीं आ रहा वहां आ जाओ क्लास में सर मजा नहीं आ रहा समझ में नहीं आया शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या रिकॉर्डेड तो देखो या दोबारा आ जाओ पिछले बैच में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए नेक्स्ट प्लीज नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है सबसे पहले तो बेटा ये बड़ा खतरनाक है पहले पचास नंबर में नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको काउंटर एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत और सही क्यों है काउंटर एग्जांपल्स बताने चाहिए जैसे किसी ने बोला सर ये ठीक है अच्छा चल ये गलत क्यों है क्योंकि इसके एग्जाम्पल पता है मुझे काउंटर एग्जाम्पल इज द ओनली स्ट्रेटजी जो दोनों जगह पे काम करती है नेगेटिव मैथिंग को कम करती है और जहां पर एक से ज्यादा आंसर होते हैं वहां पर भी काउंटर एग्जाम्पल यार ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है क्योंकि ये एग्जाम्पल है मेरे पास तो काउंटर एग्जाम्पल की जो स्ट्रेटजी है वो हर एंट्रेंस में काम आती है इरेस्पेक्टिव आपको काउंटर एग्जाम्पल पता होना चाहिए ये क्यों नहीं है ऐसा तो इससे अवॉइड कर सकते हैं आप नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ इसी से और एमएसक्यू जहां पर मल्टीपल स्लेट क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन के चार आंसर हो सकते हैं वहां पर भी और यहां पर भी दोनों में एक ही स्ट्रेटजी है काउंटर एग्जांपल्स अच्छा मैम एक बार पेपर पैटर्न पे जाना वापस एक बार पेपर पैटर्न वाली एक बार स्लाइड को सारे बच्चे दोबारा देखें यह मेरे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वापस आया हूं इस पर हा मैम बस तीस क्वेश्चन है आपके पास गारंटी दे रहा हूं गारंटी दस क्वेश्चन ऐसे होंगे देखते ही कर दोगे आप दस क्वेश्चन दस सेव कर देते आपने पांच क्वेश्चन ऐसे होंगे आप श्योर होंगे लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं कर पा रहे होंगे तो उनको मार्क करके छोड़ दीजिएगा दिस इज योर फर्स्ट वन आवर पहला एक घंटा यहां इन्वेस्ट होगा आपका मैंने क्या बोला दस क्वेश्चन तो देखते ही कर दोगे आप पांच क्वेश्चन मार्क करने के लिए छोड़ दिया घंटे में से आधा घंटा लगेगा इन दस क्वेश्चन पे, क्योंकि 20 के है। को 45 लगता है। छोड़ना नहीं है एक भी लेकिन आपको लगता है कि मैं नहीं हूं, उसको कर देना मुझे दोबारा रिव्यू के लिए अगला अभी पैंतालीस मिनट फिर दोबारा मेरे पास बीस क्वेश्चन है यहां के लिए टाइम बचाना पड़ता है हमारे को� तो वैसे तो ये आधे घंटे में होना चाहिए ये भी पैंतालीस मिनट में होना चाहिए और आधा घंटा लास्ट में बचता है तो वो उन क्वेश्चन पर डिवोट करोगे जहां जो रिव्यू करने के लिए आपने छोड़े हैं अब मैं भी बात करता हूं मायने में आपने पंद्रह क्वेश्चन यहां कर लिए तो मान मा, कर लो पंद्रह क्वेश्चन के क्या मार्क्स होंगे आपके कोई भी आप सोच लो कि आपने सात क्वेश्चन पांच क्वेश्चन एक नंबर के कर लिए या आठ क्वेश्चन एक नंबर के और सात क्वेश्चन दो नंबर के कितने मार्क्स हुए ट्वेंटी फोर मार्क्स

क्या स्कोर बन रहा है आपका मोटे मोटे तौर पे बहुत मिनिमम लेके चल रहा रहे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से 40 प्लस आराम से बन रहा है ना सोच लो आप लोग ये तो वो बच्चा बना सकता होता है जो मैं मैं कहता हूं जिसने रैंक बूस्टर कोर्से शुरू किया ना वो भी बना लेता है ये शॉर्ट शॉर्ट आते हैं क्योंकि बेटा द की फॉर द सक्सेस पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाता था क्यों नहीं बच्चे कर पाते थे

कोई भी टॉपिक पढ़ना बंद कर देंगे सिर्फ आप डेली टारगेट लेंगे पचास क्वेश्चन उठाए आपने अपने के क्वेश्चन उठाए सॉल्व कर दिए बस फिर आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे आप पता बच्चे क्या करते होते हैं फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सर चलो कई बात नहीं भाई पंद्रह दिन रिवाइज कर ले बीस दिन कर ले पर उसके बाद अल्टीमेटली आपको आना क्वेश्चन ही पड़ता है तो अल्टीमेट है क्वेश्चन ही करने से फायदा होगा आपको ये नेक्स्ट नेक्स्टम तो ये थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे तो बात बनेगी वरना नहीं बनेगी बात नेक्स्ट अब देखो मेरी बात अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारी क्लासेस आज से हमने ओरिएंटेशन सेशन रखा था बच्चा आप सबको कि हम क्या क्या देंगे हम कैसे प्रिपेयर कराएंगे हमारी फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन इसमें नहीं डाला है वो आपको क्लास में विवेकानंद मैथमेटिक्स का तरीका है वो बेसिक्स नहीं कराएंगे फाउंडेशन कोर्स में करा दिया वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे तो दो टीचर का फायदा क्या हो जाता है आपको आपको हो सकता ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता कि मैं एक क्वेश्चन पे दस स्टेप ले रहा हूं और दूसरा टीचर का दिमाग काम कर जाए वो दो स्टेप में करा दे आपको कई बार इसका एडवांटेज मिल जाता है आपको तो रखा है दोबारा ये बता रहे तो आपके पास दोनों टीचर का हंड्रेड परसेंट फुल सपोर्ट रहता है पूरे कोर्स के दौरान ठीक है अब बैच हम नेक्स्ट सैटरडे संडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपकी मैथ्स की भी और स्टैट्स की भी और वेनेसडे तक आप सबको रजिस्टर करना है फॉर द टेस्ट सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे सबसे पहले हाँ स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए वेनेसडे तक टेस्ट को दे दीजिए टेस्ट को देने के बाद आप सैटरडे संडे से क्लासेस के लिए आ जाइए बेटा टेस्ट दे के ऑनलाइन बेटा आप अपने घर से दे सकते हैं okay. सारे बच्चे And अपने the घर the से है जो आपने इतने सेमेस्टर तक पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर तक जो भी पढ़ा है सब एक घंटे का टेस्ट है बस बेटा और टेस्ट शाम को सात बजे खुलेगा कॉलेज टाइम पे नहीं कि मोहल्ला मिलके दे रहा है टेस्ट सर कब होगा टेस्ट, टेस्ट वेनेसडे को होगा बेटा ओके सर वेनेसडे को टेस्ट होने के बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट टेस्ट तो आपको देना ही है और आपका एक अकाउंट खुल जाएगा और आप जब भी टेस्ट देंगे आपको दिखता रहेगा हमेशा मेरी परफॉर्मेंस कैसी है आप खुद से देख सकते हैं पोर्टल पे अपनी परफॉर्मेंस ठीक है तो वेनेसडे को टेस्ट देना है सब लोगों को अपने और नेक्स्ट सैटरडे संडे से आपको शेड्यूल आ जाएगा आपकी क्लासेस का ऑनलाइन वालों प्लीज जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे मजा नहीं आएगा क्लास में बोलना पार्टिसिपेट करना और जो मर्जी पूछना कोई दिक्कत नहीं है कई बार हम हंसी में टाल भी सकते हैं कि सिली क्वेश्चन होता है पर कोई बात नहीं पर पूछना जरूर बात जरूर करना हमसे आप इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपका नाम याद हो जाएगा हमारे को और कोई क्वेरीज है आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं से कुछ भी आप आई टी रिलेटेड पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं बेटा स्टडी मेटीरियल मैंने दिखाई दिया ये सारा स्टडी मेटल तो अभी है और अभी आठ, आठ दस किताबें और आनी है इतना सारा जो आई टी जेई के बच्चों को मिलता है उससे ज्यादा मेटेरियल हमारे पास आपको देने के लिए ये सारा खुद हमारा है तो कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं बच्चे पूछ सकते हैं पूछना भाई आप लोगों को भी हाँ बेटा सैटरडे को लेना ना आप आराम से क्लास सैटरडे संडे क्लास लेना ना बेटा टेंशन मतल। आप बेफिकर रहो। तो मतलब मैं रिश्ता पक्का समझू बात हो गई आर कन्विस्ड खैर चलिए बेटा मिलेगी सैटरडे संडे क्लास मिलेगी टेंशन मतलब बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी अरे पहली क्लास तो हम दे ही देंगे मेरे से एस एस टी पढ़वा ले पहली क्लास में तो तू यू विल इट आपको मजा भी आएगा क्लास में तो नेक्स्ट सैटरडे संडे से बैचेस स्टार्ट है अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स आना चाहते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट नेक्स्ट वीक भी वो दे देगा जो नया बच्चा आएगा आप लोग आए हैं तो आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट वेनेस्डे को दे दीजिएगा जरूर अपना अरे फायदा है आपको बहुत और स्कॉलरशिप टेस्ट देके आप अपने बैचेस में बैठना शुरू कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा प्लीज कि नेक्स्ट सैटरडे से क्लासेस शुरू हो रही है मॉर्निंग टेन ए एम मॉर्निंग टेन एम बेटा टू so, हमारे पे छोड़ दे <laughs> मजा आएगा तेरे को टेंशन मत ले ब्रेक के साथ देंगे दो क्लासेस देंगे सैटरडे संडे दोनों दिन एक मैच की एक स्टैट्स की एक मैच की एक स्टैट्स की ऐसे देंगे Bagel, so, so, day, hai, नहीं मैडम अभी बेटा रेगुलर बैच ही है ये ये सैटरडे संडे ही चलेगा हाँ, महीने में शुरुआत में चार घंटे क्लास है बाद में शायद छः घंटे हो जाए आठ घंटे हो जाए घंटे तो हो जाती है हमेशा शुरुआत में चार घंटे